या हमारे डेटा बॉय है इधर। जी भाई बोले। सॉरी फॉर डेटा बॉय। इसका क्या नाम है ये बताओ। इसका यार पता नहीं है, इसका तो मुझे नहीं पता। थोड़ा बजाए के गाएंगे? यार बजाने का तो नहीं आता है, बस वैसे आपको बजा। अच्छा, वैसे लगा रहे। या हमारे डेटा बॉय है इधर। जी भाई बोले। सॉरी फॉर डेटा बॉय। कोई मजे कर रहे हैं। और आज के दिन बड़ा स्पेशल भी है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गए। और म्यूजिक वगैरह तो रोज़ नहीं चलता, आज फर्स्ट टाइम चल रहे हैं। डोंट टेक इट नेगेटिव, पता होना चाहिए एंटरटेनमेंट। अभी थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करें, उसके बाद हमारे पास का जो कबूल है वो दोबारा दिखाएंगे। और भाई बस गुड लक, अभी रिजल्ट आने वाला है। गुड लक थी सॉन्ग चेंज कर दे काइंडली। नॉर्मल होता है, नॉर्मल डेज में आज ही स्पेशल हो रही है। आज स्पेशल डे क्योंकि पेपर खत्म हुआ है। ये नहीं बोल रहा बस में लड़के कम है। तो अभी हम जा रहे हैं क्लास में। मैं तो 11:30 बजे हमारा क्लास था। क्लास थोड़े 10 मिनट हम क्लास लेंगे, उसके बाद दोबारा बाहर चलते हैं। जो इवेंट हो रहे हैं वहाँ पे, जो भी फंक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले क्लास रहते चल। और ये हम क्लास से बैठे हुए आधे घंटे से पढ़ रहा हूँ, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आया। लेक्चर सारे ऊपर से गुजर के अभी उधर हो रहे हैं, डांस वगैरह हम उधर जाएंगे और वहाँ के इवेंट दिखाएंगे जल्दी सारे। लगा रहे हैं यहाँ पे हो रहे जी स्टॉल वगैरह चाय का, गोलगप्पे, समोसा प्लस ड्रेस और कल्चर डांस पे हो रहा है। तो हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आपको जो सीन होगी, जो भी एक्टिविटी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी थोड़ा यहाँ से ऊपर से सीन दिखाएं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम जाकिर से पूछते हैं ये कौन से बलोची है, सिंधी डांस है यार? आई थिंक ये पश्तून है। पश्तून? आप अच्छा पश्तून डांस है यहाँ पे, दिखाएं इनको कैमरा घुमा के दिखाएं, ये पश्तून डांस हो रहा है यहाँ पे। अच्छा हमारे गिलगित के हो गए? अच्छा हमारे गिलगित के हो गए? गिलगित का हो गया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि हमने देखे नहीं, क्योंकि तब हमारी क्लास हो रही थी ना। और बेसब्री से इंतजार भी था। हाँ बेसब्री से इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उस वक्त हमारी एन मौके पे क्लास हो रही थी जिसकी वजह से हम नहीं आ सके। चाह रहे कि दोबारा से शुरू हो जाए वो। चले जा थोड़ा आप डांस इंजॉय करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा गिलगित का हम जो डांस है हम दोबारा करवाते हैं। जी जी जरूर इंशाल्लाह, और हम भी चाहते हैं कि दोबारा हो। या हमारे डेटा बॉय है इधर। जी भाई बोले। सॉरी फॉर डेटा बॉय। कोई मसला नहीं। अच्छा बताओ आज क्या जॉब फेयर के बारे में बताएं, क्या सीन है? जी ये बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जो मसला था वो हमारी क्लास थी, लेकिन शुक्र है कि मैडम ने जल्दी हमारी अटेंडेंस लगा के हमें फारिग कर दिए, इस वजह से हम यहाँ पे आके इन्जॉय कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा जो आधे घंटे का क्लास है वो आप पूरा आधा दिन लगा, आपको भी लगा? बिल्कुल जी ऐसे ही लगा, क्योंकि हमें इन्जॉय करने का दिल था, लेकिन मैम हमें छुट्टी नहीं देती, इस वजह से अब शुक्र है मैम का। यस यू आर राइट। नेक्स्ट टाइम अगर किसी टीचर को पैगाम देना चाहते हो इसके बारे में? बस मैं टीचर को ये पैगाम देना चाहता हूँ, किसी भी टीचर को, सारे टीचर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब कोई इस तरह का फेयर हो या इस तरह का कोई हो, मतलब कोई इंजॉयमेंट का कोई सीन चल रहा हो, तो उनको चाहिए कि जल्दी छुट्टी दे दिया जाए, क्लास ही ना लें, क्लास ही ना लें, क्लास यही ना करें। सही हो ना तो अभी देखिए हमारी विंडो के सामने ये सारा इवेंट हो रहा था, अगर बैक साइड पे हो तो चलो ठीक है हम कर लेते हैं एडजस्ट।
हमारी तवज्जो इस साइड पे थी तो आप क्लास में सही ठीक से लेके नहीं सके। चलो हमारी तवज्जो अभी भी इधर है तो दोबारा दिखाएं इनको डांस। थोड़ा मैं आपके म्यूजिक के साथ ले जाता हूँ सर। तो अभी हम पीछे से हम थोड़ा सीन दिखाएंगे। तो अभी ये तो हो गया डांस वगैरह, कल्चर डांस हो रहा था, अभी हम जीपी दोबारा करवाएंगे, उसके बाद हम दोबारा डांस करेंगे। अभी हम चलते हैं स्टॉल की तरफ, स्टॉल भी लगे हुए गोलगप्पे वगैरह, प्लस जो ढोल वगैरह के सीन है वो भी दिखाएंगे। अच्छा इसका क्या नाम है ये बताओ? इसका यार पता नहीं है, इसका तो मुझे नहीं पता। अच्छा जब थोड़ा पकड़ लिया। अच्छा ये कौन से कल्चर के शो करते हैं, रिप्रेजेंट करता है? कबली कल्चर को शो करता है, पख्तून कल्चर। चलो थोड़ा बजाए के गाएंगे। बजाने का तो नहीं आता है, बस वैसे आपको बजा। अच्छा वैसे शोकर लगा रहे हैं। चले जी, ये सारे पख्तून का जो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। कंटीन पे चाय पीने का मूड कर रहे हैं। जो कंटीन है यूनिसी का वो थोड़ा सीन दिखाते हैं। ये हमारा समोसा बन रहा है उधर, चाचू बना रहे हैं। और ये फैसल भाई जो यूनिवर्सिटी लाइफ से तंग आया हुआ है, सोच में गुम है, यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारना ही नहीं चाहता। और ये नॉर्मल है, इसका तो पता ही नहीं है। ये चाचा हमें छोड़ के गया ना, समोसा प्लस ये। हाँ जी, हम मसाला खा रहे हैं। मसाला किसी ने खाया आज तक? मैं खा रहा हूँ। चाट मसाला होगा, चाट मसाला होगा ना, इसलिए खा रहे हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 वी आर वेटिंग फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चले, पहले खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है, इससे शैतान दूर भाग जाता है। अच्छा वो जो फैसल जी वाला सीन क्या था? फैसल जी वाला सीन? नहीं नहीं, वो फैसल जी वाला वो सीन, वो कौन सा वाला, क्यों वाला? और क्या, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चिप्स खिलाए इनको, वो हमारे बहन जैसा है। हाँ चलिए, इसका मतलब ये क्या है, बड़ा इस्लामिक बंदा है। हाँ वो आओ ना, मोटर का वाला मिक पोख कहाँ से 8:30 आदि यूनिवर्सिटियों में मोटोरी का। तो हमें बनती है फिर अपना मुसाफर, सबको उठता है जो जाना दूर होता है। आता ना कॉलेज हो अले दिन मिन जू तो खोरे तुआना दिन गशी से पा पानी नशी ऐसा चांद तो सीन मत पी यूनिवर्सिटी जिल्ला तो चौक यहाँ ना चंगा हम यून दूंगी नसीहत जिंदगी बहुत तंग आया इस वक्त जिंदगी की नसीहत इन ये खानदान ने सुयू न सा यूनिवर्सिटी मतो नहीं 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 आना कुन का कन आना कुनर ये क्या बोल रहे, सही बोल रहे गलत बोल रहे? नहीं 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 गलत बोल रहे यार, गलत सही बोल रहे। कहने का मतलब ये है कि आप यूनिवर्सिटी आए बेशक दी, ये सोच करना है कि यूनिवर्सिटी में बड़े मजे के इंजॉयफुल मोमेंट है, वो सुकून होगी, ये सोच लेके ना आए। जी जी बिल्कुल वसीम भाई, आपका बात बिल्कुल सही।
Thank you.